On the day when the entire nation and the entire world is celebrating the festival of Eid, Kashmir also witnessed a cycle of violence once again. An SPO who had gone to attend a Eid prayers was shot dead. Another BJP leader was also taken hostage and later he was killed. Kashmir also saw a cycle of stone pelting on this day of Eid. There were incidents of stone pelting in South Kashmir's Anantnag and in Srinagar. Right now we are joined by senior BJP leader, former Jammu and Kashmir's Deputy Chief Minister, Mr. Kavinder Gupta. Sir, Kashmir mein ek bar ye cycle of violence phir se shuru ho gaya hai. Ek SPO jo namaz padhne gaya tha, wahan usko goli maar di gayi. Ek BJP ke karyakarta ko kidnap kiya gaya, phir usko uski goliyon se chhalli laash mili. Aur kai jagah par stone pelting ho rahi hai. Sabse pehle is ghatna ki main ninda karta hoon. Hum pehle se hi kehte hain ki atankwad ka koi dharm nahi hota. आज भी आतंकियों ने जिस प्रकार से कश्मीर में ईद के होते हुए आतंक फैलाया है, ये अपने आप में उसका उदाहरण है। कश्मीर बेस्ड तमाम पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो या मिलिटेंट आउटफिट्स हो, अगर वो सचमुच अल्लाह का नाम लेकर के चाहते हैं कि ये इस्लाम की बात करते हैं, तो उनको इस घटना की निंदा करनी चाहिए। हर जो व्यक्ति जिसका मारा गया है वो अपनी किसी ना किसी माँ का बेटा है, लेकिन पिक एंड चूज पर ये अपने बयान देते हैं, अदरवाइज इसकी जो बयानबाजी नहीं की जाती। मैं आज भी शबीर अहमद भट्ट के परिवार और एसपीओ के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, तो उनको ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो सुरक्षा बल है अपने आप में सक्षम है, जल्द ही उनका खात्मा किया जाएगा। पहले ही ऑल आउट जो हमने शुरुआत की थी, अब वो दिया बुझने वाला है और जब दिया बुझता है तो उसका जो टिमटिमाना वो ज़्यादा रहता है। ये आने वाले समय में फिर से कश्मीर में शांति और अमन फैले, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रयत्नरत है, तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता हूँ।